सबसे आगे भक्ति के इतिहास में मीराबाई का नाम सबसे ऊपर है, और जब भी हिंदी भजनों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें श्री अनूप जलोटा जी का नाम उसी सम्मान के साथ लिया जाएगा। और आज हमारे अगले लीलचैम निलाद्री अनूप जी का गाया वही लोकप्रिय भजन गाने वाले हैं जो मीराबाई की भक्ति का सुंदरतम वर्णन करता है। तो स्वागत कीजिए अदनान के अनोखे कोलकाता के रसगुल्ले निलाद्री चटर्जी का। कम ऑन, निलाद्री सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहूंगा। यस। तुम ही खूब सुंदर लग जी। थैंक यू। मतलब बहुत क्यूट लग रहे हो आप। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। गुड लक। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की धरती से आए हो और संगीत वहाँ की रग रग में बसा है। आप भी अपना ही नहीं भारत को गौरव बढ़ाओगे, ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है निलाद्री। La
भाई, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, बाबा भी मगन हो गए, अदनान भी मगन हो गए, हमारे कैलाश भाई और हमारे जावेद और हमारी महागुरु अलका जी और यहां बैठे सब बच्चे और सब मगन हो गए। और केवल अमार बंगाल ही नहीं, पूरा भारत मगन हो गया। भगवान कृष्ण को ही नहीं, पूरी दुनिया को आप रिझाते रहो, आपको बहुत बहुत प्यार। नीलाद्री, एक बार बाबा के साथ फिर से, है ना, एक बार फिर से मगन हो जाए हम। लेकिन ये तो मेरे से बहुत खूबसूरत गाता है, मैं इसके सुर में सुर कैसे मिलाऊं? अब सुर तो मिल चुके हैं, अब सुर के साथ तुम कदम मिला देना बाबा के साथ, बिल्कुल जो भक्तिमय हो रहे थे वही अंदाज अपने दो चार स्टेप बाबा जी को भी इस बार, क्योंकि ये भी शिवरूप है। आप भी बाबा मोटा है, फिर भी मुझे इसको उठाने का मन कर रहा है।
इसको लग रहा था कि मुझे कोई तो मोटा मुझे बोल रहे हैं और मेरी तारीफ नहीं हो रही, तो मैं भी हूँ, सबको दिखा दूँ। सच में बहुत प्यारा, बहुत उम्दा गाया है। एक बार नीलाद्रि के लिए सब प्यार से बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। बंगाल का शेर है। और आप कपालभाति भी करना, फिर कोई मोटा नहीं कहेगा, है ना? एक बार करके दिखाओ नीलाद्रि। एक बार करके बाबा बताइए। ये तो बहुत जोरदार करता है। वैसे बाबा मैं चाहूंगा कि आपने जैसे मुझे मोटा कहा था और दूसरे लोग भी मुझे मोटा कह के चिढ़ाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप पतला होने का और एक आसन हम लोगों को करके बताएं। एक तो ये कपालभाति करो ना, और दूसरा पतला होने के लिए सुबह सुबह दौड़ लगाया करो, ऐसे ऐसे हाथ भी तो हिला। और इसे दौड़ लगाया करो एक दो मिनट। हाँ, फिर ये साइड भी मोटी हुआ ना इधर, तो इसको पतला करने के लिए ऐसे ऐसे। बस कपालभाति करना और आसन करना और गरम पानी पीना सुबह उठ करके, ठीक है? और ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। याद रखना, बर्गर माने बर्बादी का घर। अच्छा खाना, अच्छा खाने के अलावा बहुत अच्छा गाना और गा रहे हो। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद जी बाबा। जोरदार तालियां। गुरु से पूछते हैं तो गुरु कैलाश, इतने तन्मय होकर, इतने विलीन होकर और इतने तल्लीन होकर गा रहे हैं सब, और नीलाद्रि आपने भी वाकई, मैं वैसे तो ये अनूप जी को बोलूंगा कि ये जरूर देखें, जो हरकतें आपने ली हैं, लयकारी की है, वो बहुत ही गजब, बहुत ही मज़ेदार। मतलब गाने में कोई इतना ज़्यादा कलाकारी दिखा के भी रूदारी ना छोड़ पाए, ये अपने आप में एक उदाहरण आपने आज स्थापित किया है। धन्य हो आपको, बधाई है। गुरु जावेद, आपने जिस तरह से आज गाया है, आपके अंदर एक ऐसी बात है जो एक कामयाब और एक सफल आदमी के अंदर होनी चाहिए, वो ये कि आपके अंदर सीखने का जज्बा है। और एक एक जो जगह आपने ली है, एक एक जो मुर्की ली है ना, ऐसी आई है जैसे एक मखमली, मतलब मलाई जैसे आती है। और दूसरी बात ये कि आपके गाने में ना मन्ना दा की याद आती है, मन्ना दा के गानों में आप बहुत इंस्पायर लगते हैं उनसे। बस इतना सा, इतनी सी बात कहनी थी मुझे। बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सर। गुरु अदनान, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा हुआ है और मैं बहुत कम क्या कहते हैं, हिल जाता हूँ, सरप्राइज होता हूँ। आज पहली मर्तबा मेरे रोंटे खड़े हुए हैं बड़े अरसे बाद। थैंक यू सर। फैंटास्टिक, बूमबास्टिक, अमेजिंग, लवली। मैं अदनान, मैं इस बात को यूँ कहूँ तो ये ठीक नहीं होगा किसी की तुलना में करूँ, क्योंकि अनूप जी को पूरा हिंदुस्तान प्यार करता, हम भी बहुत प्यार करते हैं। बेशक उन्होंने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन नीलाद्रि ने इतना अच्छा गाया है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। महागुरु, मैं चाहूंगी कि मुझे कोई एक काला टीका दे जो मैं इसे लगाऊं। जिसको बड़ों का आशीर्वाद मिलता है वो कभी जीवन में विचलित नहीं होता और उसको कभी नजर नहीं लगती, बल्कि वो सबकी नजरों में चढ़ जाता है। क्या बात।
तो सबसे आगे।